ट्विटर पर आजकल एक नए तरीके का स्कैम हो रहा है। इसे स्कैम के जरिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो ट्विटर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी सर्विस या बैंकिंग रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के लिए आप ट्वीट करते हैं, आपको लगता है यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हैकर्स ऐसे ही ट्वीट्स पर नजर बनाए होते हैं। वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, फर्जी आईडी से ट्वीट करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो काम करेंगे, और ऐसे में आपसे कई बार आपकी पर्सनल डिटेल्स या फिर बैंकिंग डिटेल्स मांग ली जाती हैं। तो आप बहुत सावधान रहें क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। ज़रूरी है कि जब भी आप इस तरह की शिकायतें दर्ज करवाएं और अगर आपके पास उसका रिप्लाई आता है तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी रिप्लाई आपके पास आया है वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया हो। ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पहचान है कि जो भी ट्वीट आपको किया गया है वो कंपनी की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से किया गया है, तो जो ब्लू टिक है वो ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कॉल किया जाता है, क्योंकि कई बार आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी उस ट्वीट में मेंशन कर देते हैं, तो अगर आपको कॉल करके बताया जाता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अपनी बैंकिंग डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, कुछ जानकारी शेयर कर दीजिए, तो इससे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बैंक की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से आपसे आपकी बैंकिंग डिटेल्स या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है। बहुत सावधान रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करिए।